हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज मैं इडली बना रही हूँ। देखिए इडली, ये देखिए खमीर कितना उठ गया है। ये हमने बैटर बना के रखे थे 8-10 घंटा पहले। ये हमारा कितना फ्लफी हो गया है बैटर इडली का। अब हम इसमें इडली बनाएंगे। इसमें हमने चने की दाल, इसमें हमने धुली उड़द की दाल, चावल और मेथी दाना पीसा है, और इसमें हमने थोड़ा सा नमक भी डाले हैं। अब हम इसकी इडली बनाएंगे। ये मेरे पास इडली का वो साँचा है, इडली के मैंने पानी रख दी हूँ इसमें गर्म। ये पानी हमारा खोलेगा, हम इसमें इडली रखते जाएंगे। हम इसमें ऑयल लगाएंगे। इस प्रकार और ये चम्मच की सहायता से हम इसमें ऐसे लिक्विड डालेंगे। अब हम इसको इस पे ऐसा रखते जाएंगे। अब हम इसको ऐसे ढक देंगे। 15 मिनट में हमारी इडली बनके तैयार हो जाएगी। अब हम इसको 15 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। 15 मिनट बाद हम देखेंगे। अब हम चेक करेंगे इडली हमारी पकी कि नहीं पकी। चेक करने के लिए हम चाकू लेंगे। चाकू को अंदर डाल के देखेंगे इसमें इडली में। अगर इसका बैटर नहीं लगेगा चाकू में तो समझ लें इडली हमारी पक गई। देखिए चाकू बिल्कुल साफ निकला है, इडली हमारी पक गई है। हम गैस बंद कर देंगे और इसको साँचे को निकाल के ठंडा करेंगे। देखिए इडली हमारी अच्छी फूल गई है। अब हम इसको 5-10 मिनट ठंडा करेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, फिर सर्व करेंगे।
देखिए हम इडली निकाल लेंगे, बड़ी आसानी से इडली निकल जा रही है ठंडे होने पे। ये देखिए ये हम चाकू से गोल घुमाएंगे, ये देखिए हमारी इडली निकल के आ गई। देखिए इडली हमारी कितनी अच्छी फूली हुई है और एकदम स्पंजी इडली बनी हुई है। देखिए इतनी स्पंजी इडली है। देखिए हमारी सांभर इडली और कोकोनट की चटनी बनके तैयार है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।